फ्रेंड्स, सुप्रियाज रान्नाघर में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज सबको विजयादशमी और दशहरा का ढेर सारे शुभेच्छा है मेरे तरफ से। और शुभेच्छा के बाद भी मिठाई मुक्त होना ही चाहिए, इसलिए मैंने आप सबके सामने लेके आ गई डेडिकेटेड कोकोनट की बहुत ही झटपट बनने वाला लड्डू की रेसिपी। और ये रेसिपी इतना जल्दी और इतने कम समय में बन के तैयार होता है और खाने में भी उतना टेस्टी होता है। रेसिपी को आप लोग पूरा देखना, अच्छा लगे तो फ्रेंड लोग के साथ ज्यादा शेयर करने के लिए भूलना नहीं। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते डेडिकेटेड कोकोनट की लड्डू, जो खाने में इतना ही यम्मी और इतना टेस्टी होता है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में डाल दूंगी 2 टेबलस्पून की करीबन घी। और घी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद ही मैंने इसमें डाल दूंगी कोकोनट, डेडिकेटेड कोकोनट 200 ग्राम। और ये 200 ग्राम कोकोनट मैंने डाल देने के बाद ही इसको अच्छे से मुझे घी के साथ चलाना है लगभग 3 से 4 मिनट तक, और लो फ्लेम पे करना है। 3 से 4 मिनट जब हो जाएंगे ना, इसका कलर जब चेंज हो जाएंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएंगे, तब तक मुझे गैस का फ्लेम बंद करके आगे का स्टेप करना है। और ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में भी उतना स्वादिष्ट लगता है। चलो अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक हम लोग रुक जाते हैं। उसके बाद इसका कलर पूरा चेंज हो गया, अभी मैंने इसमें डाल दूंगी दूध। दूध आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, इसका कलर पूरा परफेक्ट है। इसी टाइम मैंने 200 ml अच्छे से उबल के सूखा के लिया था, वो वाला दूध डाल दिया। और दूध जब तक ना इसमें कोकोनट में ऑब्जर्व हो जाता है नारियल में, तब तक मुझे पकाना है 2 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर करके। और अच्छे से ऑब्जर्व होते होते ना कोकोनट भी नरम हो जाएंगे और उतना टेस्ट लगेंगे। अच्छे से ये ऑब्जर्व हो जाने के बाद मुझे आगे का स्टेप के लिए शक्कर डालना है। आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो। मैंने ये लड्डू सफेद करने के लिए मैंने इसमें डाल दूंगी शक्कर। शक्कर मैंने लगभग 150 ग्राम की करीबन लूंगी, और 150 ग्राम की करीबन शक्कर मुझे इसमें डालना है। अभी देखो दूध पूरा ऑब्जर्व हो गया, इसी टाइम ही मैंने डाल दूंगी शक्कर। और शक्कर आप कम ज्यादा कर सकते हो, मीठा आपके हिसाब से आप लेना। और ये भी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपको पकाना है। जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए ना, तब तक पकाना है। जब अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे ना, इसमें और डालने वाली हूँ और एक चीज, ये तीनों इंग्रीडियंट से ये बन के तैयार हो जाते हैं इतना सॉफ्ट कोकोनट लड्डू की रेसिपी। देखो इसको भी मैंने धीमी आँच, कभी भी हाई कभी भी लो करके इसको पका रही हूँ। और ऐसे करते करते ना नारियल एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो गया। और इसको देखो थोड़ा सा नरम हो गया, और थोड़ा सा जब नरम हो जाएंगे ना, मैंने इसमें देखो पूरा पानी छोड़ दिया। अभी मैंने इसमें मिल्क पाउडर 100 ग्राम के करीबन डाल दिया। 100 ग्राम मिल्क पाउडर डालने के बाद अच्छे से पूरा नारियल में मिलाना है। जब तक ना पूरा अच्छे से गुठली ना बन जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे से मिल जाने के बाद जब एकदम ड्राई जैसा बन जाएंगे, तभी मैंने वैसे पैन से छोड़ देंगे, तब मैंने इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में। आप चाहो तो इसमें भी रख के कर सकते हो लड्डू। और इसी तरह से मेरा ये पूरा परफेक्ट बन के तैयार हो गया। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने इसको गैस बंद करके इसको निकाल लूंगी, उसके बाद मैंने इसका लड्डू का सेट दे दूंगी। इसको नारकेल नाड़ू भी बोल सकते हो, बंगाल में इसको बोलते हैं नारकेल नाड़ू। देखो हल्का सा ठंडा होने से ही मैंने इसमें हाथ में लेके ये लड्डू बनाना शुरू कर दिया। आज मैंने ये नारियल का लड्डू मैं और मेरा दीदी दोनों मिलके बना रही हूँ। और ये बहुत ही झटपट घर में कोई मेहमान आ जाए तो तब बना सकते हो। इस तरह से हाथ में पेस्ट करके ये लड्डू तुरंत बन के तैयार हो जाता है। और इसको अलग सा चेंज एक फ्लेवर देने के लिए मैंने उसमें ऊपर से डेडिकेटेड कोकोनट ऐसी तरह से कोट कर दूंगी। और कोट करने देने से क्या होंगे, ये नारियल का लड्डू व्हाइट भी बने रहेंगे और देखने में भी उतना सुंदर लगेंगे। और आप लोग को कैसा लगा मेरा ये बहुत ही झटपट बनने वाला डेडिकेटेड कोकोनट की कोकोनट लड्डू? और आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट कर देना अच्छा सा। और इस तरह से मैंने आगे का पूरा नारियल लड्डू बन के प्लेट भर के तैयार कर लूंगी। ये रेसिपी मैंने मेरी सासू माँ से सीखा है और वही आप लोग के साथ शेयर कर ली हूँ। और आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगे तो फ्रेंड लोग के साथ ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। और बताना आपको कौन सा लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद है, डेडिकेटेड कोकोनट लड्डू या फ्रेश कोकोनट के लड्डू? फ्रेश कोकोनट के लड्डू आपको चाहिए तो मैंने आगे का रेसिपी में फ्रेश कोकोनट के लड्डू भी बना के दिखाऊंगी, जिसको बोलता है नारकेल नाड़ू, ये भी बना के दिखाऊंगी। देखो कितना प्यारा लग रही है ना ये लड्डू की रेसिपी। आज के लिए इतना ही, और ऐसी रेसिपी देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहना। और अच्छा लगे तो फ्रेंड लोग के साथ ज़्यादा शेयर करना, और दशहरा में ऐसा लड्डू खाते रहना। चलो बाय।